चार लोग टहल रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कुर्सी पर बैठ जाइए। विधि के विधाता 16 कलाओं से सुशोभित सरस ऋतु चक्र के स्वामी अपने आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच है जहां दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, राजकुमार रंजन जी और प्रशांत उपाध्याय जी बैठ जाते हैं। वो मंच हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मंच हो जाता है। एक बार बाहर से आए हुए अतिथि कवियों के लिए जोरदार तालियों। मैं सीधे सीधे अपनी बात शुरू करता हूं और इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूं और अपने घर पर भी सबसे छोटा हूं, तो मुझे बड़ा ज्यादा प्यार किया जाता है, दुलार किया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि वही प्यार मुझे देना जो मुझे मेरे परिवार में मिलता है। मुझे लगे मैं अपने घर पर ही पढ़ रहा हूँ और ये घड़ी ही है। आइएगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। पहली चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए। कि मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूँ, मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूँ। तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ। जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई पर मेरे हमदम, संभाल लेना। जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई पर मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ। नौकरी हो, जिंदगी हो, किताब हो, कविता हो, शायरी हो, मोहब्बत हो, चार पंक्ति खुददारी की पढ़ रहा हूँ और जो वियोग श्रृंगार की समझे वो वियोग श्रृंगार की समझ ले। आइएगा, निवेदन करता हूँ कि बेबजह मन मिलाने से क्या फायदा। कल्पना में भी बड़ी प्रिय पंक्ति है, सुन लीजिए। कि बेवजह मन मिलाने से क्या फायदा, और बीते किस्से सुनाने से क्या फायदा। अब वो जो होगी तुम्हारी तो आ जाएगी, हर दफा गिड़ गिड़ाने से क्या फायदा, गिड़ाने से क्या फायदा। और सुनिए, जो साहब मोमबत्ती होती है वो जब तक आप उसको रोशनी देती है जब तक उसके अंदर प्राण रहते हैं, ऐसा ही एक दूसरा स्वरूप होता है। आइएगा, मैं एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हेलो। और धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सौम कहने लगे हेलो। और कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और चल कर गल कर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। एक रचना पढ़ रहा हूँ, सुनिए। उससे पहले चार पंक्तियाँ की। जीत का काफिला तुम बनो तो सही, दर्द का सिलसिला तुम बनो तो सही, जीत जाएंगे हम लखन की तरह, एक बार उर्मिला तुम बनो तो सही, एक बार उर्मिला तुम बनो तो सही। मेरी प्रिय रचना माँ उर्मिला, रामायण के मेरे दो प्रिय पात्र भरत और माँ उर्मिला, मैं माँ उर्मिला पर पढ़ रहा हूं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं, बलिदान कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा बताता हूँ मैं। आज वैलेंटाइन डे के दिन प्रेम से अच्छा ये प्रतीक नहीं होता हो सकता, 14 वर्ष इंतजार किया माँ उर्मिला ने। आइएगा, कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूँ मैं, बलिदान कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा बताता हूँ मैं। कि आन बान और सम्मान का उदाहरण है उर्मिला से जग में ना कोई और सानी है, 14 वर्ष कैसे दूर रही उर्मिला जी, बस एक पतिव्रत धर्म की कहानी है, त्याग बलिदान का पर्याय है माँ उर्मिला, बचनों में बंधी रही बचनों की मानी है, रोई नहीं सोई नहीं 14 वर्ष कैसे, देख रघुकुल ये स्वयं पानी पानी है।
स्वयं पानी पानी है, विरह की आग में जलती रही जो उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूँ मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूँ। इस रचना का दूसरा बंद पढ़ रहा हूँ, निवेदन करता हूँ सुनिएगा। रामायण में जितना मार उमला को स्थान मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं मिला। मैं निवेदन करता हूँ, यदि मेरे ठीक मांग रखती हो तो मुझे दुलार देना, प्यार देना। सुनिएगा कि अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई है, विश्व में गूंजता महाकांड होना चाहिए। अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई है, विश्व में गूंजता महाकांड होना चाहिए। धैर्यता का एक अध्याय जिसने गढ़ा, वहां नतमस्तक ब्रह्मांड होना चाहिए। लिख जाए ऐतिहासिक कहानी ऐसी कोई, जो लिखे वो पंडित प्रकांड होना चाहिए। और मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। निवेदन करता हूं अंतिम मंदिर रचना सुनिए कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला कि मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। ग्रंथ में जो छूट गई पंक्तियां लिखने से, वही आज तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। अंतिम क्षण पढ़ रहा हूं इस रचना का, निवेदन करता हूं सुनिए कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं। रावण के पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत को वही पराजित कर सकता था जिसकी पत्नी इंद्रजीत की पत्नी से ज्यादा पतिव्रत धर्म मानने वाली होगी। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं सुनिएगा कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं। और होती नहीं रूप खुद जगदम्बे मात का, तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। होती नहीं रूप खुद जगदम्बे मात का, तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। शक्ति की प्रियसी के समीप में लखनलाल की, कहो कैसे राम भक्त प्रतिज्ञा खींचते नहीं। और मेघनाथ बलशाली योद्धा का पराक्रमी हो, उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते नहीं। उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते नहीं। लंक विध्वंस में तपस्या रही जिसकी, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। मुझसे एक निवेदन हुआ था, निवेदन नहीं आदेश हुआ था, बड़े खास अपने मित्र का हुआ था कि कुछ 4 पंक्तियां मैं शहीदों के लिए सुनाऊंगा, तो मैं उसको सुना दे रहा हूं। दादा आपको समर्पित करता हूं, आपके चरणों में रखता हूं, सुनिए। रचना पढ़ रहा हूं शानदार कि सिर पर बांध तिरंगे को वो पखुरी पखुरी सा बिखर गया। सिर पर बांध तिरंगे को वो पकुरी पकुरी सा बिखर गया, साहस का प्रतिमान बना वो ज्योत पुंज सा बिखर गया। वो पिता जो कभी अपने बच्चे को कांधे पर लेकर घूमा करता था, दुर्भाग्य देखिएगा उसकी अर्थी को कांधा देना पड़ रहा है। तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि साहस का प्रतिमान बना हो ज्योत पुंज सा प्रखर गया। बचपन वाली किलकारी फिर स्मृतियों ने दुलराई है, कंपित बापू के कांधे पर फिर एक आहट सी आई है। कि खेतों की पगडंडी रोई, खेतों की पगडंडी रोई, पेड़ों की शाखें रोई हैं, जब सबसे लिपट लिपट कर एक माँ की आंखें रोई है। दुखिया माई का आंचल भी तो ममता से फिर सिहर गया, साहस का प्रतिमान बना हो ज्योत पुंज सा। दूसरा बंद पढ़ता हूं इसका, आपके बीच 1-1.5 मिनट और मैं खड़ा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा पुलवामा का वो हमला याद करना जिसके लिए आज ये कार्यक्रम सजाया गया है, और ये मेरी 4 पंक्तियां याद करना। सुनिएगा कि सरहद से लौटी अर्थी में कुछ अंग भंग कुछ कपड़े हैं। सरहद से माँ सोचती है कि बेटा जब गया था तो मैंने माथा चूम कर भेजा था। कि सरहद से लौटी अर्थी में कुछ अंग भंग कुछ कपड़े हैं, मस्तक को ढूंढ रही माता पर मिलते टुकड़े टुकड़े हैं। मस्तक को ढूंढ रही माता पर मिलते टुकड़े टुकड़े हैं। प्रतिशोध जगा, खुददारी की पंक्तियां सुनना कि प्रतिशोध जगा फिर आंखों में, दुश्मन की निठुराई पर बहना ने बांधी राखी जब टूटी हुई कलाई पर। प्रतिशोध जगा फिर आंखों में, दुश्मन की निठुराई पर बहना ने बांधी राखी जब टूटी हुई कलाई पर। आशीषों को नव से देगा जो होकर भाई अमर गया, साहस का प्रतिमान बना हो ज्योत पुंज सा। अंतिम बंद इस रचना का पढ़कर अपना स्थान लेता हूं।
शहीद की पत्नी को सूचना होती है कि शहीद का शव आ रहा है, लेकिन शहीद आ रहा है पर ये नहीं मालूम होता कि वो मृत है या जीवित है। निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि जब देखा प्रिय की अर्थी को पांव का बिछुआ रूठ गया, जब देखा प्रिय की अर्थी को पांव का बिछुआ रूठ गया, गलम हो गए कि जब देखा प्रिय की अर्थी को पांव का बिछुआ रूठ गया, जन्म जन्म के साथ का लेखा पल भर में ही छूट गया, जन्म जन्म के साथ का लेखा पल भर में ही छूट गया, टूटी चूड़ी सिंदूर बिखर सारे सपनों को लूट गया, कांप गए धरती अंबर जब मंगल सूत्र टूट गया, कांप गए धरती अंबर जब मंगल सूत्र टूट गया, सीने पर गोली खा प्रहरी फिर कौरत से निखर गया, और देश की माटी की खातिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। अब मैं मंच पर उपस्थित एकमात्र शक्ति आदरणीय दीदी ममता वाणी जी उपस्थित हैं। जब दिनकर जी ने लिखा, रश्मि रथी लिखी, उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जब उन्होंने उर्वशी लिखी तब वो कई सम्मानों से नवाजे गए, प्रेम की कविता, प्रेम की रचना। उर्वशी का एक प्रसंग याद आता है कि सामने टिकते नहीं वनराज, उनके मुस्कुराहट पर सुनिएगा कि सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत ढोलते हैं, मारता है कुंडली मारे समय का व्याग, मेरी बाहों में मारो करोड़ गजराज का बल है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक चलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, युद्ध का आयुध पुरुष जो घेर लेता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल लेता है, रूप के आगे वही असहाय हो जाता, सख्त के रहते हुए निरुपाय हो जाता, सहज हो जाता बंकिम नयन के वाण से, और जीत लेती रूप सी नारी जिसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी जिसे मुस्कान से। तब कहना चाहता हूँ कि आपकी नजर उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, आप जो मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए। आइए अभी भी ममता वाणी जी।